अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। क्या भारत की सियासत से मुसलमान बाहर ही जाता जा रहा है? आज का यही मौजू है और इसी पर थोड़ा तबसरा करने की कोशिश करेंगे। अब जब पूरे भारत में मजहबी तशद्दुद का माहौल देखा जा रहा है तो आने वाले दिनों में मुसलमानों का क्या वकार इनके अहमियत हैसियत के सियासत में होगी, इस पर भी थोड़ा तबसरा करना जरूरी है। अब जब महाराष्ट्र की हुकूमत को भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने हथिया ही लिया है तो इसके पीछे की वजह भी जानना जरूरी है। अब जब शिंदे गिरोह ने शिवसेना से बगावत की तो इसकी वजह उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से दूर जाने की बात कही गई। बहुत ही संजीदगी से इस मौजू पर सोचने की जरूरत है। और जब हुकूमत चली गई तो शायद शिवसेना का वजूद ही कहीं खतरे में ना आ जाए, इसलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को भी बदलने का पैंतरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जानिब से किया गया। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अब हर कोई मुस्लिम मुखालिफ कामों को अंजाम देकर किसी तरह इख्तदार का तख्त हासिल करना चाहता है और यह तारीखी तब्दीली है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत के पीछे हिंदुत्व नहीं है बल्कि भाजपा को किसी तरह मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा चलाकर फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो सकता है कि कईयों को डरा धमका कर या फिर करोड़ों रुपये का लालच देकर खरीदा भी जा रहा हो और शायद एकनाथ शिंदे की कई कमजोरियां इनके हाथ भी लग गई हो। इसमें हकीकत भी है। अब शिवसेना किसकी, उद्धव की या शिंदे की, जैसे सवाल उठते भी हैं और फिर वक्त के साथ दब भी जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम मुखालिफ सोच और फिक्र में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है और ऐसा भारत की तारीख में ही पहली मर्तबा हो रहा है। इख्तदार पजीर हुकूमत में कोई मुस्लिम कयादत आपको नजर नहीं आएगी और भाजपा ने बड़ी चालाकी से मुसलमानों को दूर तो रखा ही और हाल में किसी भी चुनाव में मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया। आने वाले 3 जुलाई को जो भाजपा में है 3 मुस्लिम मेंबरों की रुकनियत भी खत्म होने जा रही है। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में कोई मुसलमान आपको इख्तदार पजीर हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आएगा। सियासी माहिरीन ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि पहले से ही भाजपा ने मुसलमानों को ही मरकज में तो रखा लेकिन इनकी मुखालिफत की सियासत करते रहे जिससे भरपूर कामयाबी भी हासिल हुई। जब भी भाजपा से सवाल पूछा जाता है कि आखिर मुसलमानों को उम्मीदवारी क्यों नहीं दी जाती तो इनका जवाब यह होता है कि जितने की काबिलियत पर टिकट दिए जाते हैं। भाजपा ने सिकंदर बख्त से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक राज्यसभा में भेजा लेकिन अब पूरी तरह से मुसलमानों को बाहर ही कर दिया गया। अब तो मुल्क की सतह पर खासकर जहां भी भाजपा की हुकूमत है वहां मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों की इज्जत बढ़ती जा रही है और जितना मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाता है उतना बड़ा ओहदा पा लेता है और इसी को कामयाब फॉर्मूले के तौर पर भाजपा इस्तेमाल भी कर रही है। और जब इख्तदार तक पहुंचने के लिए मुसलमानों के मुखालिफत ही जरूरी है और इसी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाया भी जाता है तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाता है समझ लो तो पार्टी लाइन ही मुस्लिम मुखालिफ होने की वजह से वहां कुछ कर भी नहीं पाता और कुछ बोल भी नहीं पाता। आजादी के बाद से मुसलमानों की सियासी कयादत और 2014 की मोदी हुकूमत के बाद जमीन आसमान का फर्क आप महसूस करेंगे। आजादी के बाद दबा कुचला पिछड़ा अकलियतों के मसाइल पर बात हुआ करती थी और इसी की बुनियाद पर अकलियती और बहुजन पिछड़े तबकात की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन 2014 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू हित की बात करने लगे, अकलियतों पिछड़े बहुजनों के मसले धीरे धीरे कम होते गए और मुस्लिम मुखालफत के इर्द गिर्द सियासत का दायरा सिमटता चला गया। भारत की सियासत का सबसे अफसोस तरीन पहलू यह रहा कि मुसलमान बतौर खलनायक पेश किया जाने लगा, विपक्ष कमजोर होने लगा। 70 साल से हुकूमत करने वाली कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की तक EDIT से पूछताछ होने लगी है। शिवसेना जैसी कैडर बेस्ड पार्टी को भी तोड़ने में भाजपा कामयाब हुई। अब दूसरी तरफ मुसलमानों की कयादत कभी ताकतवर नहीं रही। मुस्लिम कायद और दीनी रहनुमाओं ने आजादी के बाद से कांग्रेस को ही वोट देने को अपना फर्ज समझ लिया और जाहिर है इख्तदार में यही पार्टी रहा करती थी। सियासी तस्वीर की दूरंदेशी ना तो सियासी कैदों के पास और ना ही दीनी रहनुमाओं ने इसे महसूस किया। मखसूस दीनी फराइज में सिमटते हुए मसल के इख्तलाफात में दीनी रहनुमा मसरूफ रहे और मुसलमानों की सियासी कयादत बजाय मिल्लत के मसाइल पर तवज्जो देने के दौलत जमीन जायदाद अपार्टमेंट होटलों का कारोबार अपने खानदान के प्रॉपर्टियों में इजाफा करने में ही मुस्लिम कयादत मसरूफ रही। जाहिर है जो नतीजे बरामद होने थे वही हुए। अब हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर हर कोई मुसलमानों से दूर रहना चाहता है, यहाँ तक कि ईसाई और दलित जबकि इन्हें भी निचाने पर वारा लिया जाता है लेकिन दलित पिछड़ा तबका भी मुस्लिम मुखालिफ साजिशों में कहीं तो हिस्सेदार बनता जा रहा है। मुस्लिम कयादत को किस पार्टी का दामन थामना समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर तो कभी उधर वाला मामला देखा जा रहा है। तकरीबन सभी पार्टियां हिंदुत्व से मुतासिर होती जा रही है लिहाजा हर सियासी पार्टी को लग रहा है कि अगर मुसलमानों को ज्यादा करीब करेंगे तो हिंदू वोट हमसे नाराज हो जाएगा। संविधान के मायने भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं।
अब तो खुलकर धर्म संसद के नाम पर हिंदू राष्ट्र संविधान की बात की जा रही है। सहाफियों को, पत्रकारों को या तो खरीदा जाता है या तो फिर जेल भेज दिया जाता है। हाल ही में जुबैर, आफरीन फातिमा, तिस्ता सितलवाड़, संजीव भट्ट, श्रीनिवास को जेल के सलाखों के पीछे इसलिए भेजा गया क्योंकि मोदी हुकूमत के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई। अब सियासत में किसी तरह की अखलाकियात नहीं रही, कोई उसूल नहीं रहा। कोई भी सेक्युलर पार्टी छोड़कर भाजपा की गोद में बैठ सकता है। सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से भाजपा के इख्तदार में अपने खिदमात अंजाम दे रही है। अब तक एक भी भाजपा के लीडर की ईडी और आईटी के जरिए मामूली पूछताछ नहीं हुई, जबकि हजारों गुना कई भाजपा लीडरों की मिल्कियत बढ़ चुकी है। मुस्लिम मुखालफत में सियासत और डरा धमका कर दिगर पार्टियों के लीडरों को अपने करीब लाने के फॉर्मूले पर कामयाबी के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। सवाल तो मुस्लिम कयादत के साथ आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया होने वाला इस पर है, क्योंकि अब तक संविधान के दायरे सभी के लिए थे, लेकिन दायरों को महदूद करके एक समाज को बाहर कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का हाल तो और भी बुरा है। कांग्रेस डूबती हुई कश्ती नजर आ रही है, तो जेडीएस कभी भी भाजपा का दामन थामकर भाजपा के पार्टी लाइन पर चल सकती है। महज कुछ रियासतों में भाजपा की सोच और फिक्र को कबूल नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या केरला, आंध्र, तमिलनाडु, जो भारत के ज्यादातर जुनूबी हिस्से में है, मरकजी भाजपा हुकूमत नए कानून, नए मंसूबों के साथ इन्हें भी अपने कब्जे में नहीं लेगी, इसकी क्या जमानत? लिहाजा भारत की सियासत से मुसलमान बाहर होते जा रहे, जो इस कौम के लिए आजमाइश में डालने वाला दौर हो सकता है। लिहाजा कौमी इत्तेहाद का दामन पकड़कर एक नई जद्दोजहद की तरफ इस कौम को बढ़ना होगा। किसी तरह भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे का पैगाम देते हुए साजिशों को समझना होगा। जिस तरह की नई नई स्कीमों के जरिए अकलेती समाज और खासकर मुसलमानों को निशाना बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बाखबर रहे। लेकिन जिस तरह की जिंदगी मुस्लिम समाज जी रहा है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्द किसी तरह की तब्दीली या रोनुमा इस माशरे में हो सकती है। पर इतना जरूर है कि इस मुल्क में जल्द आजमाइश का दौर आने वाला है, पर दीनी और सियासी रहनुमा इससे बेखबर है, ये भी उतना ही सच है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बेंगलुरु कमिश्नर की जानिब से बेलगाम से सुलढाल डबल लाइन तकरीबन 27 किलोमीटर तक के फासले की टेस्ट की गई, जिसे अप्रूवल हासिल हुआ। इसके साथ सुलढाल दिसूर लाइन को शुरू भी किया जा रहा है। प्रिंसिपल महमूद अथनी साहब ने तफसीलात पेश की। जब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और कॉलेज स्कूल पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं, तो तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में सीबीटी पर बस पास के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज की। आज हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से उदयपुर दर्जी कत्ल मामले को लेकर एहतजाज किया गया। काफी देर तक ट्रैफिक को भी रोका रखा, लिहाजा कई इश्तेआल अंगेज नारे भी इस वक्त लगाए गए। क्या इश्तेआल अंगेज नारों के लिए कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।